हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर कपल को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो प्रेगनेंसी का खतरा हमेशा आपके सिर पर मंडरा रहा होता है। हमेशा दिमाग में आपके टेंशन रहती है कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी यदि हो जाती है तो उसके अपने बहुत सारे अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कोई भी कपल फेस नहीं करना चाहता है, क्योंकि एवरी प्रेगनेंसी शुड बी प्लान्ड एंड कपल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेगनेंसी। अब यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देना है तो आपको कुछ ऐसे तरीके यूज़ करने पड़ेंगे कि जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। तो कपल जब भी सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, यानी कि जब भी इंटरकोर्स करते हैं, तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कई सारे जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हीं को कॉन्ट्रासेप्शन बोला जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी रोकने के तरीकों को कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्शन आप कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं, तो जो सबसे पहला तरीका है वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डोम। कॉन्डोम दोनों प्रकार के आते हैं, मेल कॉन्डोम्स भी आते हैं, फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं। मेल कॉन्डोम्स के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो ईजिली लोग यूज़ भी करते हैं। फीमेल कॉन्डोम्स के बारे में अवेयरनेस थोड़ी कम है, पर डेफिनेटली वो भी मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल है और हमने इस पर एक पूरा डिफरेंट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक पे चेक कर सकती हैं, जिससे कि फीमेल कॉन्डोम क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना होता है, क्या इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है। बट डेफिनेटली कॉन्डोम्स दोनों प्रकार के अवेलेबल हैं और कॉन्डोम यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको पार्टनर से इन्फेक्शन नहीं मिलता है, यानी कि प्रेगनेंसी के बचाव के साथ ही साथ एक बहुत एडिशनल बचाव होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ इन्फेक्शन से प्रिवेंशन। क्योंकि कॉन्डोम एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको HIV जैसी बीमारियों से भी बचाव होता है, तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करना बहुत ही सेफ है। बट इसका जो फेलियर रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि 20% to 30% तक होता है। ऐसे स्थिति में इसको कम्प्लीटली रिलायबल नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी इसे यूज़ किया जाता है और आराम से यूज़ करना चाहिए। सेकंड जो मेथड आता है वो आती है पिल्स, यानी कि गोलियाँ। गोलियाँ काफ़ी तरीके की आती हैं, लो डोज पिल्स आती हैं, हाई डोज पिल्स आती हैं, 21 दिन वाली गोलियाँ आती हैं या 24 दिन वाली गोलियाँ भी आती हैं, कंबाइंड पिल्स भी आती हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स भी आती है, तो बहुत वैरायटी आती है। लेकिन जो कॉमनली अवेलेबल जो पिल्स होती है मार्केट में वो होती है 21 दिन वाली गोलियाँ, जो कि आराम से महीने के पहले दिन से आपको शुरू करनी होती है और 21 दिन तक लगातार लेनी होती है। और जब आप 21 दिन की गोली बंद करते हैं तो अगले 22वें या 23वें दिन पे आपको पीरियड्स आ जाते हैं, और जब आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको day 1 पर वापस से उस गोली को शुरू करना होता है। और ये गोलियाँ लेने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा यही लगता है कि हार्मोन्स की गोलियाँ और इनके साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं। ऐसा नहीं है जनाब, इनके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, और हमने एक पूरा डिफरेंट अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि OCPs यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप उस पर जाकर उसके सारे फ़ायदों के बारे में जान सकते हैं कि आपको अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी आप गोलियाँ खाते हैं तो आपके पीरियड्स भी टाइम पर आते हैं, पीरियड्स से रेगुलरली से आपको निजात मिल जाती है, आपके एक्नीज नहीं होती, ब्लड का लॉस कम होता है, पीरियड्स में पेन कम होता है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आपको ले सकते हैं बहुत सारे आप। और उसका जो प्रिवेंशन रेट है यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने का है, वो भी काफ़ी हद तक ये इफ़ेक्टिव रहती हैं, बशर्ते कि आप इसको पहले दिन से लेकर 21 दिन तक लगातार लें, बीच में ना भूलें। यदि 1 से 2 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं गोली लेने में तो आपको फिर एडिशनल कुछ भी बैरियर मेथड यूज़ करना चाहिए, यानी कि आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकती हैं। बट गोलियाँ अगर आप लेते हैं तो आपको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन आपको इन्फेक्शन से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, यानी कि आपको वजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन से बचाव के लिए अगर आप साथ में कॉन्डोम यूज़ करती हैं तो डेफिनेटली आपको डबल प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं होगी तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। गोलियों के साथ ही साथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस भी आते हैं, जिनको कि हर 3 महीने में एक बार लगवाना होता है, और वो काफ़ी चीप होते हैं, 150 से 200 रुपये के आराम के रेंज में मिल जाते हैं, और किसी भी हेल्थ सेंटर पर किसी भी मेडिकल से आप खरीद कर उन्हें लगवा सकती हैं, और हर 3 महीने में जब आप उन्हें लगवाती हैं तो आपको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। उनके एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली बहुत लंबे समय तक यूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती है। गोलियों को फिर भी आप आराम से 5 साल 10 साल तक यूज़ कर सकती हैं। तीसरा मेथड आता है इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, कुछ ऐसी कॉपर टी जैसी डिवाइसेस आती है जो बच्चेदानी के अंदर फिट कर दी जाती है, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो जो सबसे कॉमन डिवाइस है जो सब लोग जानते हैं, कॉपर टी होती है, जिसमें कि टी शेप डिवाइस होती है, जिसके ऊपर कॉपर का वायर लपेटा होता है। जो कॉपर का वायर होता है उससे कॉपर
निकलता है जो कि प्रेगनेंसी यदि हो जाती है तो उसको प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने नहीं देता है, प्रेगनेंसी को डैमेज कर देता है और आपको कॉन्ट्रासेप्शन प्रदान करता है। कॉपर टी को एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि आपने इंटरकोर्स किया और उसके बाद प्रेगनेंसी होने की संभावना है और आप इमीडिएटली कॉपर टी लगवा लेती हैं तो उस प्रेगनेंसी को भी लगने नहीं देगा और आगे भी प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। कॉपर टी जी 3 साल की भी आती है, 5 साल की भी आती है और 10 साल की भी आती है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी कॉपर टी चुन सकती हैं। आपको जिस ड्यूरेशन के लिए चाहिए उतनी ड्यूरेशन वाली आप लेकर आराम से किसी भी डॉक्टर के पास जाकर आप लगवा सकती हैं। कॉपर टी के एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बट उसका एक धागा होता है जो बच्चेदानी से के मुँह से बाहर वजाइना के अंदर कॉमनली हमेशा प्रेजेंट होता है, तो वो धागा उसको निकालने के लिए होता है, यानी कि जब भी अगर आपको कॉपर टी निकालनी हो तो हम उस धागे को खींचकर निकाल देते हैं, बट उस धागे के कारण कई बार बैक्टीरिया उसके साथ साथ ऊपर चढ़ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। और किसी किसी को कॉपर टी सूट नहीं करती और किसी किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में भी कॉपर टी को निकालना पड़ सकता है। और कई बहुत ही रेयर केसेस के अंदर कॉपर टी बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्सों में चली जाती है जिसकी वजह से उसका धागा मिलता नहीं है, धागा खो जाता है, तो उसको निकालने में परेशानी आ सकती है। तो इस तरीके से कॉपर टी लंबे समय के लिए बहुत चीप है, 300-400 रुपए की आती है और 5 से 10 साल के लिए मिलती है। स्वास्थ्य केंद्रों पर ये फ्री लगाई जाती है, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही एक हार्मोन IUCD भी आती है, यानी कि हार्मोन लोडेड प्रोजेस्टेरोन की भी एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस आती है, कॉपर टी जैसी होती है, जिसमें कॉपर ना होके प्रोजेस्टेरोन होता है। इसकी वजह से आपको जो हैवी ब्लीडिंग की समस्या है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि इसमें धीरे धीरे पीरियड आना बंद हो जाते हैं और आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ब्लीडिंग भी नहीं होगी। इससे आपको अगर हैवी ब्लीडिंग की समस्या है तो आपको उसका इलाज भी हो जाएगा, और ये एक एंडोमेट्रियोसिस का भी इलाज है और बच्चेदानी में कैंसर का प्रोटेक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और यदि आपके अंदर का लेयर का थिकनेस ज़्यादा है तो भी हार्मोनल IUCD एडवाइस की जाती है। तो इसके बेनिफिट काफ़ी सारे हैं, यदि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो डेफ़िनेटली आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी कॉस्टली होती है, 4 से 5 हज़ार रुपये की मिलती है, बट इसके फ़ायदे काफ़ी सारे होते हैं और ये 5 साल के लिए वैलिड होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट उपाय आता है कॉन्ट्रासेप्शन के, वो होता है परमानेंट ऑपरेशन। परमानेंट ऑपरेशन में आपका एक तो दूरबीन से जो नसबंदी ऑपरेशन किया जाता है वो किया जा सकता है। इसमें पेट के अंदर दूरबीन डालकर हम दोनों तरफ की जो नलियाँ होती हैं उसके बीच का छोटा सा हिस्सा निकाल देते हैं, जिससे कि ट्यूब का कनेक्टिविटी बच्चेदानी से ख़त्म हो जाता है और अंडा जो ओवरी के अंदर बन रहा है वो बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन ये सारे मेथड्स आपको इन्फेक्शन से कोई प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, तो यानी कि आपको इन्फेक्शन होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। और ये फीमेल स्टरलाइजेशन, यानी कि फीमेल नसबंदी के साथ मेल नसबंदी भी होती है, यानी कि पुरुष भी अपनी नसबंदी करवा सकते हैं। पुरुष की नसबंदी करना फीमेल नसबंदी से बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर की तरफ प्लेस होते हैं, जो उनकी थैली होती है बाहर उसके अंदर, और उसमें छोटा सा हल्का सा कट लगाकर नसबंदी की जाती है, तो बहुत आसानी से हो जाती है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने समझा होगा तो हमने आपको 5-6 तरीके बताए हैं जिनसे कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्डोम, दूसरा है गोलियाँ, तीसरा इंजेक्शन, चौथा कॉपर टी, पाँचवा IUCD जैसे कि हार्मोन IUCD, और छठा है आपका नसबंदी ऑपरेशन। तो इस तरीके से आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सी भी एक चीज़ चूज़ कर सकती हैं और अपना फैमिली को प्लान कर सकती हैं, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से मुक्ति पा सकती हैं। क्योंकि जब भी आपको प्रेगनेंसी चाहिए ये प्लान होनी चाहिए, अनप्लान नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि और कोई सवाल आपके मन में रह गया जो कॉन्ट्रासेप्शन से जो अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जनरली हम लोग हर बुधवार को 1:30 PM पे लाइव होते हैं, जिसमें कि हम आपके पूरे हफ्ते के जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपको यदि सवाल हमसे लाइव पूछना है तो बुधवार को दिन में 1:30 बजे आप हमसे जुड़ सकती हैं, हम आपके सवालों के जवाब वहाँ ज़रूर देंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।